नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को सीनेट की सुनवाई के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी विल्कन के सामने प्रदर्शन किया। कई लोग भीड़ में खड़े होकर बार बार चिल्ला रहे थे, अभी युद्ध विराम करो। विल्कन और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन व्हाइट हाउस के $106 बिलियन नेशनल सिक्योरिटी फंडिंग रिक्वेस्ट के बारे में गवाही दे रहे थे। इसमें हमास के खिलाफ इसराइल के सैन्य प्रयासों का समर्थन करने के लिए $14.3 बिलियन शामिल हैं। वही प्रदर्शनकारियों ने एक एक करके खड़े हुए और प्रदर्शन करने लगे। राज्य सचिव रुके और सांसदों को कई बार सुनवाई स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि कैपिटल पुलिस ने तुरंत प्रदर्शनकारियों को कमरे से बाहर निकाल दिया। वही पुलिस ने कहा कि डर्कसन सीनेट कार्यालय भवन के अंदर अवैध रूप से विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्यवाही में बाधा डालने वालों में से कुछ युद्ध विरोधी समूह है कोड पिंक से जुड़े हुए थे, जिसने अमेरिका से यूक्रेन को हथियार भेजना बंद करने का भी आह्वान किया है। कई प्रदर्शनकारियों ने गुलाबी रंग की पोशाकें पहन रखी थी और उनके हाथों में तख्तियां भी थी जिन पर लिखा था गाजा की घेराबंदी नहीं करें। उन्होंने अमेरिका से इसराइल को धन भेजना बंद करने का आह्वान किया था। वहीं कोड पिंक से पुष्टि की कि इसके कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समूह ने कहा है कि कुछ लोगों ने खून के प्रतीक के रूप में अपने हाथों को लाल रंग से रंग लिया था। वहीं विल्कन ने अपने बयान के अंत में प्रदर्शनकारियों और उनकी भावनाओं को स्वीकार किया है।